सुप्रभात बच्चों। तो आइए अब हम आरंभ करेंगे हमारी आज की हिंदी कक्षा। तो अब तक हम अपनी हिंदी कक्षा में किए हुए स्वरों की दोहराई करते आए हैं। अ अनार, अ हाँ जी बताइए, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन, सभी पढ़ा हमने। उसके बाद अ के बाद क्या आता है? आ, आ से आम, आ से आड़ू, आ से आलू, आ से आग। तो अ और आ इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो आप सब समझ चुके हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। और फिर अ आ ई एम, समझा सबने? ई से और क्या होता है? ई से इमली होती है, ई से इमारत होती है, ई से इमरती भी होती है। तो अब हम आज किसकी दोहराई करेंगे? ई, ई स्वर की। जब हमारे ई पे ये मात्रा आ जाती है तो हम इसकी ये वाला ऊपर, जब इसके ऊपर एक कर्व बनता है तो हम इसको कैसे उच्चारण करेंगे? ई, अ, आ, ई, ई। तो जब हम इस वाली ई की बात कर रहे हैं तो उसका उच्चारण और ध्वनि लंबा जाता है, जैसे अ, आ, ई, ई। तो जब ई की बात होती है तो उससे होता है ई। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इस चित्र का क्या नाम है? ईक। ईक गन्ने को कहा जाता है, उसका रस निकाला जाता है। ई से ई। ईक क्या होती है? जब भी आपने देखा होगा कोई भी इमारत बनती है, यानी कि कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसको बनाने में ईक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम ब्रिक भी कहते हैं। समझ में आया? रेड कलर की होती है, लाल रंग की, जिसको सीमेंट के साथ एक दूसरे से जोड़ा जाता है और फिर दीवारें बनाई जाती हैं। तो ये क्या है? ईट, ई, ई। अभी ही हमने ईद की छुट्टी सेलिब्रेट की थी, याद है आपको? पिछले वीक आपकी 21st को जो छुट्टी थी, वेंसडे को, वो क्यों थी? क्योंकि उस दिन ईद थी। ईद क्या है? एक त्योहार है, फेस्टिवल है, जो कि मुस्लिम लोग मनाते हैं। जैसे हम दिवाली, होली, ये सब त्योहार मनाते हैं, तो ईद मुस्लिम लोग मनाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो मस्जिद में जाके अपनी प्रेयर करते हैं या अपनी नमाज पढ़ते हैं। समझ में आया? तो जब हम इस वाले ईद का उच्चारण करेंगे तो ये कैसे जाएगा? ई। कैसे जाएगा? थोड़ा सा लंबा आवाज आती है और हम बोलेंगे ई। आइए मैम आपको दोबारा से इन चारों स्वरों की पूरी दोहराई उनके चित्रों के साथ कराएंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास, आज हम एक बार फिर से अपने सभी स्वरों को दोहराएंगे। कौन कौन से स्वर किए हैं हमने अब तक? अ, आ, ई, ई। एक बार पुनः दोहराइए आप सभी मेरे साथ। अ, आ, ई, ई। इसी तरह से आपको इनको दोहराना है। कैसे बोलेंगे? अ, ए नहीं बोलना है, अ, अ, आ, ई, ई। समझ में आया? चलिए अब बताइए इस स्वर को हम कैसे बोलते हैं? अ, वेरी गुड। इस स्वर की जो ध्वनि है, जो आवाज आपके मुंह से निकलेगी वो होगी अ। अ से
अनार। अनार में होते हैं मोटे मोटे रसीले दाने। अ से अनार। ऐसे अनार नहीं बोलना है, ऐ नहीं होता, अ होता है। अ, अ से अनार। अ, अ से अजगर। अजगर एक सांप होता है। अ से, जल्दी से बताइए, ये पिक्चर आपने पहले भी देखा है, अमरूद। जी हाँ, अ से अमरूद। अमरूद कौन खाता है? तोता। तोते बहुत सारे अमरूद खाते हैं, पता है आपको, और ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं, बहुत मीठे मीठे होते हैं ये। अ से अदरक। अ से अदरक। आपको पता है अदरक क्या होती है? ये भी खाने में, चाय बनाने में इस्तेमाल की जाती है। आप अगर मम्मी को बोलेंगे तो मम्मा आपको घर में दिखा सकती हैं, अदरक हमेशा होती है हमारे घर में, तो आप मम्मी को बोलिएगा, मम्मी आपको दिखाएंगी घर पे, ठीक है? तो चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं। अ, अ से अनार। अ से अजगर। अ से अमरूद। अ से अदरक। अ से अम्मा। बहुत अच्छी बात है। अ से पूजा घर में क्या होती हैं? अगरबत्ती। अ से ये कौन सा फल है? अनानास। बहुत अच्छे। अ से अखरोट। चलिए अ से अक्षर। देखिए अक्षर। अ से अक्षर। समझ में आया आप सबको? आइए अब आगे चलते हैं। अब ये कौन सा स्वर है? इसका उच्चारण करिए सभी। आ। आ से आम। आ। आ से आम। आ से आधा। आ से आग। आप देख रहे हैं जब भी हम आ का बोल रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा जाता है, तो जहाँ पर भी आपको ये वाला स्वर दिखाई देगा वहाँ पे आपकी जो मुंह से आवाज़ आ रही है वो लंबा निकलेगी। आ, आम, आधा, आग, आड़ू, आटा, आलू। समझ में आया आपको? तो ये कौन सा स्वर किया हमने? आ। अगला स्वर है ई। ई से इमली। खट्टी मीठी इमली। ई से इमारत। इमारत क्या होती है? जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं उनको हम कहते हैं इमारत। आपने देखा होगा, आप कभी मॉल्स जाते हैं या मॉल्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़े फ्लैट्स बने होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में फ्लैट्स बने होते हैं, तो उन लंबी बिल्डिंगों को, ऊंची बिल्डिंगों को हम कहते हैं इमारत। ऑफिसेज होते हैं पापा के, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? इमारत। ई से इनाम। ई से इंद्रधनुष। मैम ने आपको बताया था ना इंद्रधनुष क्या होता है? जब बहुत तेज बारिश हो और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आए तो उस टाइम पे आसमान में 7 रंगों की एक पट्टी निकलती है, उस सतरंगी पट्टी को हम कहते हैं इंद्रधनुष। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सभी ये 7 रंग होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में रेनबो भी कहते हैं।
ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्लास, ये क्या है? ई, ई से इमली, और इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई, 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 इन दोनों के उच्चारण का फर्क समझिए। ई, ई, समझ में आया आपको? अब देखिए ई से क्या होता है? ई से ईंट, वो जिससे हम घर बनाते हैं, इमारतें, बिल्डिंगें बनाते हैं। ई से ईद, जब भी ईद होती है तो हम सब कहाँ, ये देखिए ये क्या है? मस्जिद, लोग यहाँ आके पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं। ई से ईख, ईख होती है गन्ना, जिसका मीठा रस भी निकलता है। ई से ईश्वर, ईश्वर कौन होते हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं। ईश्वर कौन है? भगवान, उनको हम ईश्वर भी कहते हैं। ईंट, ईख, ये देखिए गन्नों का खेत है, ये यहाँ कितनी सारी ईख हैं, इनको यहाँ से निकाला जाता है और फिर इनका रस निकलता है। और ये देखिए ये है ईद, मस्जिद बनी हुई है, ये होती है ईद का साइन होता है ये। तो क्लास आज हमने कौन से चार अक्षरों का, कौन से चार स्वरों का पुनः पुनरावृत्ति की है? अ, अनार, सभी पहचान करेंगे, अ, अनार, आ, आम, ई, इमली, ई, ईक, समझ में आया? चलिए अब आपको क्या करना है, इन्हीं चार स्वरों की दोहराई चित्रों सहित करते रहिएगा और इनका उच्चारण की जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी आप करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।